जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। बिहार सरकार का जो जन वितरण अन्न वेबसाइट था वो पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये नया वाला वेबसाइट है और यहाँ पे पुराना वाला वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को पहले मिल रहा था। आज दिनांक 26/11/2024 को रात्रि 8 बजे ये जो है अपडेट दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है नया अपडेट आया है, ये नया वाला वेबसाइट है। पुराना वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको पहले देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी इंटरफेस देख सकते हैं, ये अप्लाई वाला सेक्शन है, यहाँ पे दिया गया था। लेकिन अब जो नया वाला वेबसाइट वर्जन जो आया है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिस पे अगर आपको कोई कंप्लेन करना होगा या कोई आपको शिकायत करना है तो यहाँ पे आप इस वाले टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं, या नहीं तो इनको आप मेल कर सकते हैं, या नहीं तो इनके एड्रेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है, लोकेशन यहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार का जो चल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है इंटरफेस। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे आप नया राशन कार्ड का अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में एक बड़ा सा इंटरफेस दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो पहले का इंटरफेस था वेबसाइट का, उसी तरीके से इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग अपना आरसी का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आरसी डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे उसी तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये पुराना वाला इंटरफेस है, हो सकता है ये भी अपडेट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे अभी पुराना वाला ही शो हो रहा है। यहाँ पे आप अपने जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे और जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद राशन कार्ड नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका राशन कार्ड को डिटेल है वो यहाँ पे फेच कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे RCMS वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी आ गया है, अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे भी जाके आप नया राशन कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। उसी वाले वेबसाइट पे जाएगा जो पुराना वाला वेबसाइट था। तो यहाँ पे अब दो तरीका से आप अपना एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे बड़ा ऑप्शन दे दिया गया है, दूसरा एक यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। ये दोनों तरीके से आप नया राशन कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, या अगर आपके कार्ड बड़ा है तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यही एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आप सभी को बता दिया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नई मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को देखने को मिलता रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।